हेलो गाइस, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पंजाबी मुटियार में। और मैं, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, बहुत टाइम से, मतलब कि इतने टाइम से मैं सोच रही थी कि व्लॉग कैसे शूट करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था और मैंने कभी व्लॉग शूट नहीं किया। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है कि जो मैं शूट कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से ना करूँ। बट मुझे ऐसा लगा कि कहते हैं ना कि एक सही काम करने का एक सही टाइम आता है, कि मुझे लगा कि वो टाइम आज आ चुका है, तो मैं ये शूट कर रही हूँ। तो मैं आपको अब अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मेरा नाम अर्चना है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मुझे डांसिंग और जो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं ट्रैवलिंग लवर हूँ। मतलब मुझे इतना ट्रैवलिंग करना पसंद है, कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी तक मैंने ठीक ठाक ट्रैवलिंग करी भी है, कि जो भी है उत्तराखंड में, मतलब जितने भी हिल स्टेशन हैं, जितने भी हैं उसमें से ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुकी हूँ। मैं मनाली गई हूँ, मैं मसूरी गई हूँ, और मैं मतलब बहुत सारी जगह गई हूँ। मैं चंबा गई हूँ और अब मुझे बहुत सारी जगह गई मैं, हिल स्टेशन भी मैंने कवर किए हैं। उसके बाद में जो मैंने इंटरनेशनल ट्रिप भी किया, तो मेरा फर्स्ट जो इंटरनेशनल ट्रिप था वो मेरा थाईलैंड था। और थाईलैंड जब मैंने जाने का सोचा इंटरनेशनल, तो वो मेरा फर्स्ट ट्रिप था। तो जब मैंने थाईलैंड की बात की अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली में, तो सारे लोग शॉक्ड हो गए थे कि नहीं नहीं भाई, थाईलैंड बहुत बेकार है, बहुत, क्योंकि सबकी थिंकिंग है। तो थाईलैंड को लोगों ने थिंकिंग बना रखी थी, नहीं वहाँ पर तो बहुत बेकार है, वहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे वैसा होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था थाईलैंड में। जब मैं गई तो मुझे इतना पसंद आया थाईलैंड, क्योंकि मतलब बहुत बहुत अच्छा था। मतलब और थाईलैंड के अंदर जो एक जगह है जो कि आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, जिसका नाम है फुकेट। तो फुकेट तो सो ब्यूटीफुल, और वो बहुत ही सुंदर था। तो मैं तो ऐसा लग रहा था कि जन्नत में पहुँच गई हूँ, और बहुत ही अच्छा था। तो ऐसा है, सबकी सोच की बात होती है, सबकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बट कहते ना, हम जहाँ पर भी रहते हैं वो सोच की बात है। हर जगह अगर आपका देखने का व्यूज़ अच्छा है, देखने के नज़रिया बहुत अच्छा है, तो आपको अच्छी जगह भी, बुरी जगह भी बहुत अच्छी लगेगी और अच्छी जगह भी बहुत बुरी लगेगी। तो ये आप लोगों की सोच पे और आपके देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, ये तो मेरा लेक्चर हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि और अपने बारे में, कि थाईलैंड में वहाँ का फूड, मतलब जो खाना था, खाना वहाँ का सो था। मतलब जो मुझे, मतलब मैं इंडियन फूड्स को बहुत रेफर करती हूँ, कि मुझे इंडियन फूड बहुत पसंद है। बट वहाँ पे वो चपातीज और ये सब तो नहीं मिल रहा था, और मैं थोड़ा सा था हाँ। बट मैंने एक चीज़ था कि मुझे मोमोज, आपको पता है यहाँ पे मोमोज कितने के, आलू प्याज भी कम होंगे, पर मोमोज की तो इतनी सारी यहाँ पर है। बट मैं वहाँ पर मोमोज बोले जा रही हूँ, हर एक शॉप वाले से मुझे मोमोज चाहिए। थाईलैंड की बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कि मुझे मोमोज खाने। तो वो मतलब इतने कंफ्यूज थे कि भाई ये क्या मांग लिया हमसे, क्या चीज़ मांग रही है। तो फिर मैंने कहा नो डिमसम्स, उनका मैंने कहा मुझे डिमसम्स खाने। तो फिर मैंने बड़ा ढूंढा, बड़ा मुश्किल से मुझे एक जगह मिला, ठीक था। बट वहाँ पे फिशेस, एक मैंने डिश खाई थी, वो बहुत ही यम्मी थी। और मतलब आप ना थाईलैंड जब जाओगे तो उसमें एक बेनिफिट मिलेगा आपको, जो कि मुझे फील हुआ, कि आप फुल डे जब मतलब घूम सके, आने के बाद जब आप टायर्ड हो जाते हैं सोने के बाद में, वहाँ पे ना जो लाइफ स्टाइल है, वो मतलब लाइफ जो शुरू होता है वहाँ का, वो 12 रात को 12 एक बजे स्टार्ट होता है। तो हम फुल डे रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम जो है इंजॉय कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, पूरे दिन भी घूम सकते हैं या नहीं, वो आपकी चॉइस है। तो मैं तो अपने बारे में बता रही हूँ जो मुझे लगा। बाकी मैं गोवा भी बहुत ज़्यादा, बहुत बार गोवा गई हूँ, 3-4 बार तो मैं एटलीस्ट गोवा होकर आई हूँ, और वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा और चीज़ें। तो बट मैं अभी तो फ़िलहाल जो भी है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे सारी चीज़ें डिस्कशन कर लिया है अभी, पर नेक्स्ट मैं जो आपको बताना चाहती हूँ और जो भी चीज़ें, वो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी आपको। क्योंकि अभी आप मेरे साथ मैंने YouTube, मुझे ऐसा लगा कि एक YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो मुझे हेल्प करेगा बहुत इम्प्रूवमेंट्स करने में, इम्प्रूव होंगी मैं इस प्लेटफॉर्म से, तो मुझे लगता है। और उस चीज़ के लिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, कि आप मुझे सपोर्ट करें, हेल्प करें,
मतलब सपोर्ट करें, मीन्स कि मतलब मेरा मतलब एक मुझे कहते ना उत्साह बढ़ाए मेरा, हिंदी एक एक हिंदी शब्द होता है ना उत्साह बढ़ाए, मेरे को मोटिवेट करे, तो मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग आप और मैं कहाँ तक इस सफ़र को आगे तक ले जाएंगे वो हम लोगों पे ही डिपेंड करेगा, और सबसे ज़्यादा आप लोगों पे। मैं तो करने के लिए बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है लोगों से बात करना, क्योंकि मैं इतनी बतूनी हूँ, इतनी बातें करना मुझे पसंद है, तो मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म तो मतलब मेरे लिए इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और दूसरी चीज़ कि अभी मैं आपको, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना और बने रहना, अभी जो नेक्स्ट मेरा ट्रैवलिंग है वो जो मेरा नेक्स्ट घूमने का ट्रैवलिंग का बन रहा है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, और थोड़ा टाइम बाद दिखाऊंगी, और वो बहुत बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहना प्लीज़ मेरे साथ, जो कि मैं आपको वो सारी, अगर मैं व्लॉगिंग व्लॉग पहले स्टार्ट कर देती अपना बनाना है तो मैं आपको सारा थाईलैंड, और मैं हाँ इंटरनेशनल में मैं थाईलैंड की जगह मैं सिंगापुर भी गई, मलेशिया गई, बाली गई, और मैं सब बहुत सारी जगह मतलब मैं घूमी जैसे इंटरनेशनल में। अगर शायद उस टाइम मैं ब्लॉग शूट कर रही होती तो मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करा रही होती उस टाइम पे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता। तो नेक्स्ट टाइम अभी जो मेरा नेक्स्ट ट्रैवलिंग का जो मतलब मैं जाने वाली हूँ उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहना, और वो जो बोलते हैं ना मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।